गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आरजी सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लॉजिकल स्टडी अड्डा में। वात्स्यायन अज्ञेय जी का कहना कितना सरल है, भाषा का कोई रूप नहीं होता है, ना कोई आकार होता है, ये तो हमारे संस्कृति सभ्यता से जुड़ी होती है और यह हवा की तरह एक झोंके से दूसरे झोंके तक यहाँ वहाँ पहुँचती रहती है। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं इस पदखंड का सबसे पहला चैप्टर की ओर। कबीर, तो कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है, क्योंकि यह अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि इनका जन्म कब और कहां हुआ था। बस एक अंदाज में लोगों ने इनके बारे में बताया है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई, जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। मतलब वो उस दौर में पैदा हुआ थे जब राजनीतिक मुद्दे हो, चाहे धार्मिक मुद्दे हो और सामाजिक क्रांति, ऐसे सारे मुद्दे अपने चरम सीमा पर थे। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे, उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जिस जगह पे, जिस दशा में अपना जीवन व्यतीत किया था और वहाँ की दुर्दशा को देखते हुए ही उन्होंने ऐसी कविताएं लिखते थे जो सामाजिक चेतना के रूप में प्रकट होती थी, अर्थात जो लोगों को जागरूक कर सके। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती थी। मतलब आप जब इनकी कविताओं को पढ़ोगे तो ऐसा महसूस करोगे कि सच में यही चीज़ें, यही सारी क्रियाएं अभी के समय में हो रही हैं और वो पहले भी होती थी और आज भी हो रही हैं। एक ओर धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी तीखी चोट की है। जी हाँ दोस्तों, इनका बहुत ही सरलता से उन्होंने क्या किया था, ये जो धर्म के बाह्य आडंबर है, उन्होंने इनके बारे में सच्चाई बताई थी कि आखिर ये क्या है। तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका मानना था कि मनुष्य जितना अनुभव करता है उतना ही ज़्यादा सीखता है। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है। उनका ये मत बहुत ही सिंपल था कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो और या सिख हो, वे सब एक ही रूप के हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, अर्थात उनके भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। उनका विश्वास सत्संग में था और उनका मानना था कि वह निर्विकार है, जिनका कोई आकार नहीं है, न रूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। ये शब्द और साखियाँ क्या होती है? शब्द और साखियाँ कविता को लिखने का एक प्रारूप है, जो उन्होंने इसे एक नाम दिया है, शब्द और साखियाँ। इसके बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में कि ये क्या होते हैं, क्योंकि शब्द, साखियाँ, श्रृंगार, रस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रसखान द्वारा, धनानंद द्वारा, ऐसे बहुत सारे कविताएं लिखी गई हैं जिनमें अलग अलग तरीके से अपने कविताओं को प्रस्तुत किया गया है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर इनके बारे में चर्चा करते हैं और इस कविता को पढ़ते हैं, ये जो दोहे लिखे गए हैं कबीर जी के द्वारा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर साखी का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने साखी का शब्द साक्षी शब्द, जिसको जो तद्भव रूप है, और इसका मतलब साक्ष्य होता है, और इतना ही नहीं इसका अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है, अर्थात वो ज्ञान जो डायरेक्ट गुरु शिष्य को प्रदान करता है। इतना ही नहीं, कबीर जी बहुत सारे जगहों पर भ्रमण किए हैं और उनके भाषाओं को मिश्रित करके एक स्पष्ट रूप से कविता के रूप में प्रस्तुत किया। कबीर की भाषा को साधु कड़ी भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कबीर की भाषा को साधु कड़ी भी कहा जाता है और उनके
दोहे जो भी होते हैं उनमें 13-11 के विश्राम होते हैं और 24 मात्राएं दिखलाई पड़ती हैं। मात्राएं जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। यह शिक्षा जितनी ही प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रहे, मतलब जो भी ज्ञान दिया जाता है गुरु के द्वारा वो जीवन भर याद रहता है किसी न किसी मोड़ पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं कविता के ओर। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले का मन गदगद हो जाए, अर्थात उसका मन खुश हो जाए। और इतना ही नहीं, वो तो आनंद लेता ही है हमारी भाषा को सुनकर, बल्कि ऐसा कहने के बाद हमारा तन भी प्रसन्न हो जाता है। बच्चों, जब आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कुछ इस तरह से वहां प्रस्तुत करना है। जैसे प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पद खंड से ली गई है। इसके लेखक कबीर जी हैं और वे कहना चाहते हैं कि उसके बाद वो आप उस जो भी कविता लिखा गया है उसका आसानी से आप अर्थ करें। इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि भावार्थ, कबीर दास जी कहते हैं इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुँचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव देता है। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, भावार्थ को लिखने हैं जिससे आपको कुल नंबर जो मिलने चाहिए वो आपको आसानी से मिल जाए। आई होप आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां में कबीर जी कहना चाहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि कस्तूरी जो कि सुगंधित द्रव है जो हिरण के कुंडली यानी नाभि में रहता है, जिसे सूंघ कर वो पूरे जंगल भटकता रहता है इधर उधर, उसी प्रकार मनुष्य भी भगवान की तलाश में न जाने कहां कहां दुनिया के में भटकता रहता है, परंतु वो नहीं समझता है कि भगवान दुनिया के कण कण में बसे हुए हैं, बस उसे जरूरत है तो अपने अंतर आत्मा में झांकने की। आई होप ये पोएम भी आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं था तब हड़ी नहीं, अब हड़ी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इस पंक्ति में कवि कबीर जी कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर बहुत सारा अहंकार भरा होता है, वह घमंड में होता है, तब उसे कुछ नहीं सूझता है, वो अपने ही मन मौजी में डूबा रहता है। और जब उससे अपने अंतर आत्मा के बारे में पता चलता है, तब उसके सामने जो दीपक की ज्वाला उठती है वो सारे अंधकारों को मिटा देता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को कभी भी अपने अहंकार में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जो आपको मिला है वो भगवान के द्वारा दिया गया है, आप डिजर्व करते हैं, आपको दिया गया है, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए हो सके दुखी हो वो शायद किसी के लिए वो कल्पना हो। सो अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोबे। कहते हैं कि इस दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जो विषय वासनाओं में व्याकुल हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, फिर भी उनकी भूख मिट नहीं रही है और वो बेचैन है और वो बेखबर है मृत्यु से जो कि उन्हें अंत में मिलने वाली है। उसके विपरीत कबीर जी बहुत ही दुखी हैं, वे समझ चुके हैं जीवन के अर्थ को और बस उन्हें एक ही सहारा है कि किसी तरह वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं और अपने सारे जीवन को उनके प्रति समर्पण कर दें।
इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि जब भगवान के राम में कोई लीन हो जाता है तब उस पर कितना भी मंत्र फूंक दो, उसे समझा दो, वह मानने वाला नहीं होता है, क्योंकि वह राम का वियोगी है, अर्थात भगवान के वियोग में वह भटक रहा है और अब वह बिल्कुल पागल की तरह हो जाएगा, कब तक, जब तक कि वह उनके शरण में चला ना जाए, अर्थात वह उनमें लीन होना चाहता है। और यहाँ जीवे तो बौरा होई अर्थात पागल इसलिए कहा गया है क्योंकि अब यह पापी रूपी धरती पर वह रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे जीवन का अर्थ समझ में आ गया है। और यही विरह की बात कही है कबीर जी ने कि कैसे मनुष्य बावरा हो जाता है, कैसे वह विरह में व्याकुल हो जाता है जब उसे अपने स्वामी राम की भक्ति नहीं मिलती है। अगली पंक्ति में कबीर जी कहते हैं, निंदक नेरा राखिए आंगनी कुटी बधाई, बिना सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि निंदक करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वभाव को बिना साबुन पानी के बिल्कुल निर्मल कर, स्वच्छ कर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि निंदक करने वाला और सुनने वाला दोनों ही खतरनाक होते हैं, तो हमेशा निंदा करने वालों से बच के रहे। निंदा करने का अर्थ हुआ आपकी आलोचना करना, आपकी बुराई करना। ये पंक्ति बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस है, यहाँ हर जगह मूवी में और कहीं ना कहीं आपको ये सुनने को मिल जाएगा। पोथी पोथी पढ़ी जगमुवा, पंडित भया न कोई, एक आशीर पीव का, ऐसे बोलते हैं यहाँ पर, एक अक्षर प्रेम का परे सो पंडित होए। इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि न जाने इस संसार में कितने ऐसे ऐसे पंडित आए होंगे जिन्होंने बहुत सारे किताब पढ़ लिए परंतु उन्हें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ और वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और वे विद्वान भी नहीं बन पाए, परंतु एक ढाई अक्षर प्रेम का, यानी प्रेम क्या होता है, कैसे प्रेम को हम परिभाषित करते हैं, अगर उस परिभाषा को वह जान ले तो वह पंडित होता है, अर्थात वह एक बहुत ही बड़ा विद्वान होता है। तो इस पंक्ति में कबीर जी प्रेम के बारे में बताए हैं कि प्रेम कैसा होना चाहिए, वह भाई के साथ हो, पिता के साथ हो, बहन के साथ हो, अपने खास संबंधियों के साथ हो, अपने मित्र के साथ हो, अगर उस शब्द को असलियत में कोई पहचान लेना, असली विद्वान, असली पंडित वही है। आगे कबीर जी कहते हैं, हम घर जा लिया आपना, लिया मुड़ारा हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। वे बहुत ही सरल शब्दों में कहना चाहता है कि मैंने अपना घर जला लिया है, वो कौन सा घर मैंने जलाया है, जो मेरी वासना थी, मेरी जो विषय थी, मेरा जो अहंकार था, मैंने उन सब का गला घोट दिया, अर्थात मैंने उसे जला दिया है अपने हाथों से। अब घर जलो ताश का जे चले हमारे साथी, इसका अर्थ उन्होंने यह कहा है कि अब मैं उनका भी अहंकार, विषय, वासना, जो मोह माया के जाल में वो जो फंसे हुए हैं, मैं उन्हें भी खत्म कर दूंगा जो हमारे साथ चलेगा। तो इस तरह से आपकी सारी कविताएं मैंने सखी की ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ से कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आगे सारे कविताओं को मैं ख़त्म कर सकूं और आपका सिलेबस कंप्लीट कर सकूं। थैंक यू एंड टेक केयर।